हैं बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज बीटी रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस इज बेटा। सबसे पहला केस बेटे हमारे पास है व्हेन द सरफेस इज कन्वेक्स बेटा एंड द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज बेटे रियल, रियल इमेज बन जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका जो है वो रेयर मीडियम में है, सरफेस जो आपको दी हुई है वो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है बेटा। तो आइए डियर चिल्ड्रन इसको देखें कि किस तरीके से हम ये रे डायग्राम बनाकर सारे का सारा वर्कआउट कर सकते हैं। ये बेटे आपने इमेजिन किया कि आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो है ये आउटवर्ड सरफेस इसका जो है लेट इट बी कन्वेक्स एज इंडिकेटेड यू इन द डायग्राम दिस वे। बिल्कुल इसके एक्सिस में से पास कर रही है लाइन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इन जनरल कहलाती है। आप बेटे साथ साथ ड्रॉ करिएगा तभी फायदा है, राइट बेटे ऑल ऑफ यू। ये आपका पोल इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर जिसको आप बोल सकते हो, और आपने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इस जगह पर बेटे प्लेस कर रखा है। इस ऑब्जेक्ट से जो आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है इट इज मूविंग इन दिस मैनर, इट रीचिज अप टू दिस सर्फिस का। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये स्फेरिकल सर्फिस कंप्लीट कर लूँ जिसका ये कन्वेक्स पार्ट एक छोटा सा पीस बन जाता है, ये इसका बेटे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आप मार्क कर सकते हो। इमेजिनरी स्फीयर आप ऐसे हाइपोथेटिकली ड्रॉ करके उसका सेंटर बना सकते हो। तो ये आपके पास बेटे आपका जो है ये पर्टिकुलर वे में बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू बोल दिया, ये एयर है, ये आपका ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू टू कह दिया। आपका रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, आप सबसे पहले तो ये लाइन बेटे जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन आपको नॉर्मल दे देता है बिकॉज रेडियस जो है हमेशा नॉर्मल ही होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा आई बन गया, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये बेंड करेगा तो ये आपका रे कुछ इस तरीके से मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा दिस वे। और डियर चिल्ड्रन ये आपका जो है नॉर्मल टू द सर्फिस जो रे जा रहा है ये अलोंग द एक्सिस चला जाएगा। इस पॉइंट पर आपकी जो दोनों रेज हैं असल में मीट कर रही हैं, और यहाँ पे आपका रियल इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का ये बन जाएगा। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट बेटा ए, ये वाला पॉइंट जो है। इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड एल पॉइंट। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया इसको एल बोला, ये आपके पास बेटे जो है दिस इज से एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस केस में आपने ये वाला एंगल जो है अल्फा बोल दिया है, ये वाला एंगल आपने बीटा, और ये वाला एंगल आपने बेटे गामा एंगल जो है बोल देना है अपने कन्वीनियंस के लिए। अब हम बेटे डायरेक्टली यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस, कल बात कर भी रहे थे हम कि कैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चूज करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, टू आपका डेंसर मीडियम है, आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बेटा जो है यहाँ टॉप पे रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई साइन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आर। देन
ये एंगल्स बिकॉज काफी स्मॉल एंगल्स हुआ करते हैं, आप इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन को लगभग एंगल आई और एंगल आर इन साइन हटा दिया हमने बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल्स बेटा। इसके बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, वी विल से दैट म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई बेटा। आर और आई हमें नहीं पता, यहां से निकालने पड़ेंगे, वर्कआउट करने पड़ेंगे। इस एंगल आई को ध्यान से देखिएगा, ये बेटे इन दो एंगल्स के सम के बराबर है। ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में ध्यान से देखना, बाहर वाला एंगल अंदर वाले अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा और आपका एंगल आई जो है दिस इज देन अल्फा प्लस गामा। ऐसे कर सकते हैं हम बेटा, मानविया, क्षितिज, सुप्रिया एंड मान्या। क्षितिज ऐसा हो सकता है, प्रॉपर्टी पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में। इसको देखिए देन, ट्रायंगल कौन सा है? सी ए आई, ट्रायंगल सी ए आई। इसमें ये बाहर वाला एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा एंड आर दिस इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा आप कर सकते हैं। तो जब आपने ये एंगल्स का एडजस्टमेंट किया, कुछ इस तरीके से एंगल्स की कैलकुलेशन रादर कर ली, तो आप इनको स्नेल्स लॉ की इक्वेशन जो आपकी यहाँ पे है इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा। लेट अस डू दैट पार्ट। आपके पास था म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई, आर आपने निकाला है यहाँ से गामा माइनस बीटा, दिस इज म्यू टू गामा माइनस बीटा, दिस इज म्यू वन आई, ये आपका है अल्फा प्लस गामा। एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं आपने इमेजिन कर रखे, स्मॉल एंगल्स होने की वजह से बेटा आप इन एंगल्स को इनके टेंजेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो म्यू टू दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल गामा, टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू वन, टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा, टेंजेंट ऑफ एंगल गामा बेटा। ये चीज आपके पास जो है ये बन जाती है। अब इनकी जो फिजिबल वैल्यूज हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी विल से दैट म्यू टू टेन गामा, ये गामा है, इट विल बी ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी टेन बीटा ए एल अपॉन एल आई बीटा। देखिएगा यहाँ पे एंगल बना पड़ा है, दिस इज इक्वल टू म्यू वन टेन अल्फा ए एल अपॉन ओ एल, ए एल अपॉन ओ एल एंड टेंजेंट ऑफ एंगल गामा आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ए एल अपॉन एल सी। सो इन दिस वे आप ये एंगल्स निकाल सकते हैं। इनमें देखिए ए एल आपका दोनों तरफ कॉमन है, आप इसको कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। और डायग्राम पे जरा फोकस करिएगा, एल पॉइंट आपका बेटे पोल के काफी ज्यादा नजदीक है, पोल के पास होने की वजह से आप एल पॉइंट की जगह पर इसको रिप्लेस करके पी पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आई विल राइट म्यू टू वन अपॉन पी सी, एल की जगह पी लिख दिया, माइनस एल की जगह पर मैंने अगेन पी लिख दिया, दिस इज इक्वल टू म्यू वन, एल की जगह पर पी लिख दिया और अगेन एल की जगह पर पी लिख दिया। ये चीज बेटे हमारे पास बन गई। अब बेटे जो टर्म्स पी सी वाली इधर है, इनको आप एक साइड पे एडजस्ट कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द टर्म्स एक साइड पे एडजस्ट कर लीजिए। पहले ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, आई विल गेट म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी आई, दिस इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन पी सी। बेटे चेक करिएगा बेटा, यू आर गेटिंग दिस और नॉट, ऑल ऑफ यू बेटा। इसके बाद हम थोड़ा सा बेटे रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, और ये पी सी को मैं इस साइड पे एडजस्ट कर देता हूं। आई विल गेट
म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए और ये नेगेटिव वाली टर्म उधर राइट साइड पे एडजस्ट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू बेटा ये म्यू टू आना चाहिए था, ये म्यू वन लिखा गया, म्यू टू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू बेटा म्यू वन अपॉन पी ओ पी प्लस म्यू टू अपॉन पी इंटू आई। रीचेक करिएगा एक बार इक्वेशन को, इसको आप उधर ले गए और ये पी सी वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दी, तो ये चीज आपके पास जो है कुछ इस तरीके से बन गई बेटा, पी सी म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू टू अपॉन पी आई। पी सी, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये आपके इस स्फेरिकल सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेटे इक्वल है, और आप अगर साइन कन्वेंशंस की भी हेल्प लेंगे दिस इज इक्वल टू प्लस आर, सो आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग दैट म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर दिस इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ पी, ये आपका ओ पी है, ओस आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, पी पॉइंट से जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ योर साइन कन्वेंशंस ये नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। और फर्दर मोर पी आई को ध्यान से देखिएगा, पी से लेकर आई तक आपका जो है इमेज का डिस्टेंस वी के बराबर है, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी के बराबर, ये चीज आपको बेटा मिल गई। जब आप इनको टर्म्स को रीअरेंज कर लोगे देन वी विल बी हैविंग दिस आइडिया इन अवर माइंड दैट कि जब जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है इमेज फॉर्म बेटा रियल है, म्यू वन अपॉन माइनस म्यू प्लस म्यू टू अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आपके पास बेटे जो है बन जाया करता है, आप भी चेक कर लीजिए, बता दीजिए मुझे कोई बात नहीं पता चली बेटा। गुंजोत मान्या, क्षितिज सुप्रिया मान दिया, हाँ जी बेटे क्षितिज, बेटा यस क्षितिज, सर। हाँ बेटे क्लियर हो गया सारा, साथ साथ बनाया हाँ डायग्राम जी तुमने, सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नो सर। वेरी नाइस बेटे, मान्या बेटा, ओके नाइस बेटे। गुंजोत, गुंजोत आपकी आवाज सुननी है बेटा, ये गुंजोत बोलता नहीं, नाराज रहता है ये। चलिए आगे चलते हैं फिर बेटे, एक केस में और करता हूं आपको और भी ज्यादा फिर बेटे ये क्लियर हो जाएगा, देन वी विल बी मूविंग अहेड बेटा। तो इसके बाद बेटे मेरे पास है ऑब्जेक्ट अगेन इन द रेरर मीडियम, लेकिन इमेज फॉर्म्ड बेटे जो है वो रियल नहीं है, इस बार सरफेस भी कन्वेक्स ही है, इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल है। आओ बच्चों देखिए एक बार, सारे स्टूडेंट्स बेटे डायग्राम साथ साथ बनाकर रे डायग्राम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, फिर उससे हमारा ये बेटे जो है आपका स्फेरिकल सर्फिस का कंसेप्ट काफी ज्यादा हद तक आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। आइए पुत्र देखें, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, सरफेस आपका कन्वेक्स है स्फेरिकल, ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में ही है, इमेज फॉर्म जो है वो वर्चुअल है, पहली बार जो आपने किया था वो रियल था, अब हमने वर्चुअल इमेजिन किया है। आइए देखें, ये आपके पास आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इस तरीके का, और बेटे ये आपके पास कन्वेक्स सरफेस आपने ड्रॉ किया, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, और फर्दर मोर यहाँ पे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप बेटे एक बात याद रखिएगा, रे डायग्राम अगर आपका ठीक है ना, ट्रायंगल
फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत तब आती है जब हमारा रे डायग्राम फॉल्टी हो, एंगल्स और रेज ठीक ना बन रही हो, तो इमेज भी ठीक नहीं बना करता है। वर्चुअल इमेज वाले केस में आपने अपने ऑब्जेक्ट को पोल के नजदीक रखना है, तब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर आप दूर रखोगे वर्चुअल इमेज नहीं बना पाएंगे। सो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा, लेट इट बी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। बेटा ये पोल है आपका, लेट मी राइट इट ओवर हियर। ऑब्जेक्ट से एक आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, राइट, और ये आपका नॉर्मल बन गया बेटे ये वाला, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना दिया। यहाँ पे आपका रेयरर मीडियम है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू वन, वो डेंसर मीडियम है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू टू। रेयरर टू द डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल आपका रे बेंड करेगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए, इट विल फील कि ये रे यहाँ से आ रहा है। एक रे यहाँ से इधर जा रहा था, डायरेक्टली नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो आपको लग रहा है कि दो रेज यहाँ पर मीट कर रही, असल में मीट नहीं करती, लग रहा है कि मीट कर रही है। तो ऐसे केसेस में आपका इमेज बच्चों वर्चुअल बन जाता है। वर्चुअल और रियल इमेज में बेटे फर्क ही ये होता है कि रियल इमेज आपका तब बनता है जब आपकी रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है, वर्चुअल इमेज तब बनता है जब जो रेज ऑफ लाइट है दे अपीयर टू मीट। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कॉल दिस पॉइंट एज ए, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट अस से दैट दिस इज पॉइंट एल। सबसे पहले आप सारे एंगल्स की मार्किंग कर लो, इस एंगल को आप जनरली बीटा, इसको आप अल्फा, इसको आप गामा कहा करते हैं। और आप अब स्नेल्स लॉ की जब बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, म्यू टू अपॉन म्यू वन, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, बिकॉज एंगल्स बड़े नहीं हैं, छोटे एंगल्स हैं, स्मॉल एंगल्स हैं, तो दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ओनली, दैट इज आई एंड आर। सो डियर चिल्ड्रन, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल से दैट म्यू टू इंटू आर इज म्यू वन इंटू आई। आई और आर हमें नहीं पता, निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे ये एंगल आपका बेटे आई था और ये वाला एंगल आपका बेटे एंगल आर है। अगर आप एंगल आर को देखोगे तो आपका एंगल आर इस बड़ी ट्रायंगल में बीटा प्लस गामा के बराबर है। ये बाहर वाला एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। यू विल से दैट कि आपका एंगल आर जो है दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, और एंगल आई जो है ध्यान दीजिएगा ये एंगल आई था आपका यहाँ पे, ये इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है, दैट इज अल्फा प्लस गामा के बराबर है, अल्फा प्लस गामा। फिर से बेटा हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास बेटे बनेगा क्या, वी विल बी राइटिंग दैट म्यू टू इंटू आर, आर आपने निकाला बीटा प्लस गामा, म्यू वन इंटू आई, आई आपने कितना निकाला अल्फा प्लस बेटे गामा। सो आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एंगल्स बड़े स्मॉल एंगल्स हैं, इनको इनके टेंजेंट्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए, म्यू टू इंटू टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल गामा, दिस इज इक्वल टू म्यू वन टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा, लेट मी मेक स्पेस फॉर दिस, एंड इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल गामा। बेटा अब आइए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ए एल अपॉन एल आई के बराबर है, सो इट विल बी म्यू टू ए एल अपॉन एल आई अल गामा ए एल अपॉन एल सी, और
आपके पास जो है एंगल अल्फा ए एल अपॉन ओ एल एंड आपका जो गामा है अगेन ए एल अपॉन एल सी इसके बराबर जो है ये आ जाता है। चेक कर लीजिएगा एक बार बेटे सारे स्टूडेंट्स, और आपका ए एल दोनों तरफ कॉमन है एडजस्ट किया जाएगा विल गेट कैंसल, और सरफेस आपका बेटे जो है इस पे एल पॉइंट पी पॉइंट के बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है, करीब होता है, और उस केस में आप एल पॉइंट को पी पॉइंट से रिप्लेस कर लोगे तो यू विल से दैट म्यू टू वन अपॉन एल की जगह आपने लिख दिया पी आई प्लस वन अपॉन पी सी दिस इज इक्वल टू म्यू वन वन अपॉन ओ पी एल पॉइंट पी के नजदीक है प्लस वन अपॉन एल सी इसको हम लिख देंगे पी सी। पी सी जिन टर्म्स में आपका कंटेन्ड है इनको आप ऑन वन साइड एडजस्ट कर लीजिएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को आप दूसरी साइड पे एडजस्ट करिएगा एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। इसको पहले ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, दिस इज म्यू टू अपॉन पी आई दिस इज म्यू टू अपॉन पी सी इक्वेलिटी साइन म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन पी सी ये पी सी वाली टर्म लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करो म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी सी इज म्यू वन अपॉन ओ पी उसको इधर ले गए माइनस म्यू टू अपॉन पी आई बेटा। अब ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड पर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी दिस इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ पी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई ये चीज हमारे पास बेटे बन जाएगी। पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर का ये डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन आप इसको पॉजिटिव ही लेते हो सो आपके पास आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर म्यू वन अपॉन ओ पी को ध्यान से देखना बेटा ये ओ पी है इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये आपका नेगेटिव आ जाएगा इट विल बी माइनस यू माइनस म्यू टू अपॉन पी आई अगेन नेगेटिव आ जाएगा इट विल बी माइनस वी ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी ये चीज बेटे आपके पास जो है आपका इस स्फेरिकल सर्फिस में बन जाता है। सो इन दिस वे बेटे आप जो रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स स्फेरिकल सर्फिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेटे एक बार देख के बताइए कोई दिक्कत वाली बात है तो आई कैन रिपीट दैट ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन देखिएगा और बताइएगा सारे स्टेप्स को बेटे एक बार देख लीजिए एंड देन टेल कि आपका कोई पॉइंट है यहाँ पर रीडिस्कस करने वाला देन बेटे आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू ऑल ऑफ यू बेटा। क्लियर है सारे बच्चों को बेटे? ओके बेटे नाइस। चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ जी बेटे ठीक है बहुत बढ़िया बेटा वेरी नाइस। इसके बाद बेटे मैं एक डेंसर मीडियम वाला केस भी कर देता हूँ फिर आपका ये होपफुली सारे का सारा कंसेप्ट आपको वेल क्लियर हो जाएगा बेटा। ऑब्जेक्ट जब आपका डेंसर मीडियम में है सरफेस कन्वेक्स ही रख लेते हैं तो आपका इमेज कैसा बनेगा आइए बेटे फोकस करें कंसंट्रेट करें देखें कैलकुलेट करके इसको। ऑब्जेक्ट आपका जो है इस बार डेंसर मीडियम में है इमेज कैसा बनेगा सरफेस आपका जब कन्वेक्स है ऑब्जेक्ट आपने डेंसर मीडियम में रखा इमेज रियल ही बनना चाहिए लेट अस फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट बेटा। ये आपके पास बेटा अगेन कन्वेक्स सरफेस हो गया जी इस तरीके से आपने बना लिया और आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं बेटे ये वाले और फर्दर मोर यहां पे सी है यहां पे आपने अपना ऑब्जेक्ट ओ रख दिया
ये पोल है और दिस वे आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। ये आपका जो है नॉर्मल बन गया बेटा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये डेंसर मीडियम विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यू टू, रेयरर मीडियम विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यू वन। डेंसर टू द रेयरर वी एक्सपेक्ट दिस रे टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब ये अवे बेंड करेगी तो ये एंगल आपका एंगल आर बनेगा, और आप यहाँ इस पॉइंट ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये एक रे आपकी ऑब्जेक्ट से नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से ऐसे जा रही है, यहाँ पे आपका फाइनल इमेज बन रहा है। इसको एंगल को आप जनरली बीटा, इस एंगल को आप जनरली गामा, इसको आप अल्फा बोला करते हैं। आइए अगेन फ्रेनेज़ लॉ अप्लाई कर दें। अब आपका रे म्यू वन में जा रहा है, म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, एंगल्स छोटे हैं, आप इनको अप्रोक्सीमेटली आई बाई आर लिखोगे। म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू आई बाई आर क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू वन इंटू आर इज म्यू टू इंटू आई, आई और आर हमें पता नहीं निकालने पड़ेंगे डायग्राम देखकर, और डायग्राम में से आपका आर जो है ये बीटा प्लस गामा और जो आई है गामा माइनस अल्फा के बराबर है। चेक कर सकते हैं आप, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर, ये फिर इसको इसमें से माइनस कर दीजिए ये आ जाएगा, अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। म्यू वन आर की जगह पर हमने बेटे लिख दिया बीटा प्लस गामा, इट इज इक्वल टू म्यू टू, आई की जगह पर आपके पास आ गया गामा माइनस अल्फा। इन एंगल्स को इनके टेंजेंट्स के साथ रिप्लेस कर दो, म्यू वन टेन बीटा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू म्यू टू टेन गामा माइनस टेन अल्फा, ये चीज बन गई। इट इज म्यू वन टेन बीटा ए एल अपॉन एल आई टेन अल्फा सॉरी गामा, ए एल अपॉन एल सी म्यू टू और टेन गामा ए एल अपॉन एल सी ए एल अपॉन एल ओ, ये आपके पास बन गया। ए एल इज गेटिंग कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स और दिस इज बिटे म्यू वन एल आई, इसको आप लिखोगे पी आई माइनस एल सॉरी प्लस एल सी, इसको लिखोगे पी सी, और इसके बाद आपके पास आ जाता है म्यू टू और एल सी को आपने लिख दिया पी सी और एल ओ को लिखा आपने पी ओ, वैल्यूज पुट कर दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंगली। म्यू वन अपॉन पी आई म्यू वन अपॉन पी सी म्यू टू अपॉन पी सी म्यू टू अपॉन पी ओ, पी सी वाली टर्म्स इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, म्यू वन अपॉन पी नहीं इसको लेके जाओ उधर, इसको नहीं इसको शिफ्ट करो। सो म्यू वन अपॉन पी आई ये इधर ही रह गई, इसको भी इधर ले आए आप। म्यू टू अपॉन पी ओ इस साइड पर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी कर लीजिए, पी आई ये आपका बेटे बी के बराबर है, म्यू वन अपॉन बी प्लस पी ओ ये आपका माइनस यू है, म्यू टू अपॉन माइनस यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन दिस इज माइनस आर, बेटे साइन की एडजस्टमेंट कर दीजिए, आपके पास बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये साइन मैंने हटा दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टू अपॉन यू प्लस का माइनस म्यू वन अपॉन बी, ये यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो है ये बन जाता है। आप एक बार रीचेक कर लीजिए और बता दीजिए इज इट क्लियर टू ऑल बेटा डियर चिल्ड्रन, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लगी बेटा? गुंजोत मानविया क्षितिज मान्या सुप्रिया क्षितिज बेटे साथ साथ कर रहे हो ना आप बेटे नोट, हो रे डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर।
ठीक है बेटे, ये फिर हमारे टोटल 6 केसेस हैं, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी के जो 3 बचे हैं आप आज और कल बैठ के कोशिश करना, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बेटे क्लास में जो है करवा देता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटा, थैंक यू ऑल बेटे।